हेलो लगड़ियो, नमस्कार, प्रणाम, पहलाग और तनछन आप सभी। मैं तो उम्मीद की आप सभी बढ़िया वेला के दगड़ियो। हमने ना टाइटल देखी कण आप लोग समझ गए होला कि आज एक वीडियो क्या टॉपिक पर होने छे। पर वीडियो देखने से पहले अगर आप पहली बार हमारे वीडियो को देखना चाहते हैं, वीडियो को लाइक कर दिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, नोटिफिकेशन बेल का ऑन करी ऑल पर क्लिक कर दिया ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो ले आओ अब वीडियो देखा। इन कर दो फोन कर दिन दो प्रीति को बता दूंगी तने की गौ माई नींद हाल छी ना ते तने बे आनी छे ते तो क्वारंटीन रेन पड़ल बता दिन दो पहले कख बाद में कोई दिक्कत नहीं आवी तने पूछो छो क्या बोल दी। हेलो प्रीति बुनी छे ना? यस, आप कौन? अरे यार मी तनी पहचानी छे तू, मी तेरी दीदी। अरे फुंदड़ी बुनू छो गांव बेटी। ओ फुंदड़ी दीदी, आप कैसे हो दी? ओ सॉरी, एक्चुअली आपका नंबर ना फीड नहीं था, सॉरी। हाँ और कैसे हो आप? अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू बता तू कैसी है? मैं तो एकदम फर्स्ट क्लास हूँ दी। और घर में सब कैसे हैं? सब ठीक है यार, यहाँ पर तुम बताओ, मामा मामी ठीक हैं? हाँ मम्मी पापा बिल्कुल बढ़िया हैं, सब बढ़िया। अच्छा यार फुंदड़ी दीदी सुनो, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं आने वाली हूँ, तो 2-4 दिन में आने वाली हूँ यार मैं, ठीक है? वो मैंने पास वगैरह के लिए अप्लाई कर रखा है और कोरोना टेस्ट भी कर लूँगी एक आध दिन में ना, आने से पहले ही करवाऊँगी क्योंकि 72 घंटे की रिपोर्ट मानी जाती है ना, तो आते टाइम ही करवाऊँगी उसको तो मैं, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं नहीं कोई दिक्कत तो नहीं है यार। तो फिर ठीक है, बस फिर मैं 2-3 दिन में निकल जाऊँगी यहाँ से और वहाँ के बहुत इंजॉय करूँगी अपने उत्तराखंड में आके, और आपके साथ ही बहुत मस्ती करनी है मेरे को क्योंकि मैंने पैकिंग शैकिंग तो सब कर ली है, शॉपिंग वगैरह मैंने कर ली है, कपड़े वगैरह मैं सब ले आई हूँ अपना ना, तो बस पास वगैरह जैसे तैयार होता है उसके बाद अपना कोरोना रिपोर्ट लेके यहाँ से निकल जाऊँगी मैं। हाँ यार वो तो ठीक है ना, पर यार प्रीति ते तो कुछ बताना छो यार। बताना? क्या बताना मेरे को, बताओ क्या बात है दी? अरे यार वो ना बात ऐसी है ना कि ना मतलब जब तुम आओगी ना तो यार तुमको ना क्वारंटीन रहना पड़ेगा 7 दिन तक गाँव में। Oh, no. क्या क्वारंटीन, वो भी 7 दिन तक? ओ माई गॉड, ये क्या बोल रहे हो यार दी आप? अरे यार प्रीति तू गुस्सा नहीं हो यार, अब क्या करने आ रहे, मजबूरी हुई सबों को। मजबूरी? कैसी मजबूरी यार, मैं अपने पहाड़ आ रही हूँ तो मजबूरी कैसी? अरे यार तेरे को तो पता ही है ना कि कोरोना कितना फैल रहा है उत्तराखंड में, दिल्ली से बल अब कोरोना बल उत्तराखंड में आ गया है, तो सभी लोग तो परेशान होनी ना, लोग बहुत डरना छन यार, फिर कहते ना अपने घर नहीं आने देना चो, जो भी लोग बाहर भी आना चाहे पहलू तेने क्वारंटीन होना पड़ो चो, और प्रधानों भी पूर सख्त बोलू चो कि कोई भी बाहर भी आना चो तो वे तो पहले क्वारंटीन करा, कहता अपने घर में नहीं आने देन बल, और गाँव का लोग तो ते पता ही छना यार उन भी तो डर दन, और हमारे गाँव में 3 कोई केस भी नहीं यार अभी तक, तो हमारे गाँव का लोग डरना छन, वही नहीं बुना छन कि बाहर भी कोई बीमार नहीं आई चाहिए हमारे गाँव में। ओ आई सी, यू मीन टू से मैं बीमारी हूँ, मैं बीमारी लेके आ रही हूँ यहाँ से, क्या बात कर रहे हो यार दीदी आप? अरे ना ना यार तेरे को थोड़ी बुनो छो यार, मी तेरे लिए नहीं बोल रही हूँ यार प्रीति, मैं तू ना गलत समझ रही है यार, तेरे को कब बोला मैंने कि तू बीमारी है और तू बीमारी लेके आ रही है? अरे यार तेरे को तो पता है ना कि ये कोरोना कितना फैल रहा है हमारे उत्तराखंड में, तो ज्यादा ही हो रहा है अब ये, तो बात ऐसी है कि लोग डर रहे हैं थोड़ा सा समझ यार तू भी, ते नहीं समझण तो कैन समझण यार, ते तभी पता चना कद खौफ चलो कु मन में ये कोरोना लेकर, अब तू तो दिल्ली मरी नहीं यार, ते तो ज्यादा पता होना जानू छ, दिल्ली में भी ते पता चल लॉकडाउन लग गयो छ, कभी कर्फ्यू लग जानू छ, कभी नूनू कभी तन नूनू, तो यार हमारी ना भी 2-4 गाँव सी ले गए यार, बहुत ज्यादा केसेस बढ़ गए ना एक कोरोना, ती लैके उन गाँव का गाँव सी लो यहाँ छन यार, ती लैके हमारे गाँव वाला लोग ज्यादा डरना छन यहाँ के वास्ता, यार समझना तू भी, 7 दिन बाद यार क्वारंटीन रहना पड़ यार ते तने बुरु नहीं मानना तू। अरे यार दी वो सब तो ठीक है, मैं समझ रही हूँ सारी बातें समझ रही हूँ आपकी, जो भी आप बोलना चाह रहे हो
मैं सब समझ रही हूँ। मुझे भी पता है कि दिल्ली में भी कितना खौफ है लोगों कोरोना को लेकर, लोगों का इतने केसेस हमने भी देखे हैं दीदी, ऐसी बात नहीं है। पर मेरा मतलब इतना है कि जब मैं अपना पूरा कोरोना टेस्ट करके आ रही हूँ, सारी रिपोर्ट्स लेके आऊँगी, पास बना के आ रही हूँ, तो फिर दिक्कत क्या है? हाँ मैं मानती हूँ, अगर मैं वैसे आती बिना किसी रिपोर्ट के साथ, बिना किसी चेकअप के साथ, तो मैं मान सकती हूँ कि हाँ भी लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन जब मैं अपना कोरोना टेस्ट करवा के आ रही हूँ और वहाँ आके भी मुझे 7 दिन तक क्वारंटीन रहना पड़ेगा, यार ये कोई रूल नहीं होता। लग गए कांडा इलाकी में डनु छो, बताओ कि नहीं बताओ। क्या कहा आपने, जरा जोर से बोलिए, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। अरे कुछ नहीं प्रीति, तेरे को नहीं बोल रही हूँ, वो ऐसे ही किसी से बात कर रही थी, यहाँ पे कोई बैठा था ना। ओके ओके, सो बताइए दी क्या करना है। क्या बताने आ रही तने, मैं तो कुछ समझ में नहीं आने, या तो समझने को तैयारी नहीं होनी चाहिए। अब क्या करने आ रहे? हेलो हेलो हेलो, हाँ हाँ हेलो हेलो प्रीति, सुनो छो यार। तो यार बताइए ना, करना क्या है अब आगे? मैंने आना है गांव या नहीं आना, मुझे क्लियरली बता दीजिए यार। कैसी बात कर रही है यार प्रीति तू, क्यों नहीं आएगी तू गांव? अरे कैसे नहीं आएगी तू, आना पड़ेगा यार तेरे को गांव, कौन मना कर रहा है यार तेरे को आने को, तू ऐसे क्यों बोल रही है? अरे यार दी, आप ही ने तो अभी बताया कि ऐसा है वैसा है, क्वारंटीन रहना पड़ेगा, ये सब अपने बस की नहीं है यार। क्वारंटीन 7 दिन तक, वो भी यार कैसे रहूंगी यार मैं अकेले। अच्छा एक बात बताओ, वैसे मुझे क्वारंटीन कहाँ रहना पड़ेगा, गांव में? वो ना प्रीति, तुझे ना वो स्कूल में रहना पड़ेगा यार 7 दिन तक। व्हाट, स्कूल में गांव से दूर? गई भैंस पानी में। सॉरी यार दी, अपनी बस की नहीं है यार स्कूल में रहना, वो भी 1 हफ्ते के लिए क्वारंटीन। अगर आप कुछ अलग अरेंजमेंट करवाओगे मेरा, तो मैं सोचूंगी आने के लिए गांव, अदरवाइज मैं अपना प्रोग्राम कैंसिल कर रही हूँ, एंड दैट इज फाइनल। चल चल ठीक ची यार प्रीति, मैं तेरे को बता दूँ यार, ठीक ची? तू गुस्सा निकाल यार, नाराज नहीं होगा, देखती हूँ मैं बात करके प्रधान जी से क्या बोलते हैं, उसके बाद बताऊंगी तेरे को। अरे कैसे नहीं आएगी तू गाँव, हम तेरे को यहाँ बुला के रहेंगे, कैसी बात कर दी यार तूने भी। चल मैं बात करके बताती तेरे को, चल रखती हूँ फोन। ओके यार बाय, टेक केयर। उफ या भी भारी चांगल छ यार, मनो को ना तैयारी नहीं होनी चाहिए, समझ में भी नहीं आनी यार तने, कन के समझो अभी इनमें तने और भी मुश्किल में डाले। अब प्रधान जी से क्या बात करनी यार मैंने, ये रूल तो सभी को ना, अब ये कौन स्पेशल रूल बनाऊं? छी यार कख फंसियो मैं भी। खैर एक बार बात कर दो प्रधान जी से, कोशिश कर रही दिख दो क्या बोलते हैं। तो दगड़े सुने ला आप लुकुन, क्या बुनिच मेरी बोली, मैं तो भारी मुश्किल में पड़ गया यार, एक तरफ लुकुन भी चिंता में तने, ये कोरोना मुर्दा जो मोर गया इधर, और दूसरी तरफ मेरे भूले भी यार, अब पहल बार आनी चाह गो, वैसे पहलू कभी आया भी नहीं चे, तो समझ में नहीं आनी यार क्या करे जा। तो दगड़ो आप लोग ही बता यार क्या कर में न। तो यहाँ सॉल्यूशन मैं आप लोगों पर छोड़ो छो, आप लोग में तने कमेंट कैरी जरूर बताए न कि यहाँ सॉल्यूशन क्या वैसा आक, ताकि मेरे भूली तभी बुरू नहीं लगी और गाँव वालों तभी बुरू नहीं लगी, कि लेकिन सभी बराबर छन यार है ना। तो दगड़ो आप तने जो भी लगा लू, जो भी बढ़िया सुझाव लगू दू, वो मैं तने जरूर देन, और वे एक बाद में प्रधान जी से भी बात कर लू क्या हल निकल दू, वो आप तने अगली वीडियो में पता लगा लू। तो दगड़ो आज कौन थी हुई, तो आज एक वीडियो आप तने कल लगी हम तने कमेंट करी जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो तो लाइक कर दें, हमारे चैनल तने सब्सक्राइब कर दें, और नोटिफिकेशन बेल ऑन करी ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो जल्दी मिलता आप तने एक नई वीडियो का दगड़, तब तक आप हंसते रहो, खेलते रहो, मस्त रहो, जय उत्तराखंड जय भारत।